तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करेंगे। दोस्तों अगर आप अपने आधार कार्ड को मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके उसे सेव करके रखना चाहते हैं या फिर आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करके उसे प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने से पहले दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे लिखना होगा यहाँ पे UIDAI और इसके बाद इसे आपको सर्च कर देना। यहाँ पे जैसे आप सर्च करेंगे UIDAI लिख के, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट में आपको एक वेबसाइट मिलेगा UIDAI का। यहाँ पे आप देख सकते हैं UIDAI.gov.in, आपको इस वेबसाइट में इंटर कर लेना है। इसमें जैसे आप इंटर करेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आधार कार्ड का, ये आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डाउनलोड आधार का यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड आधार के ऊपर में, इसके बाद यहाँ पे अगला पेज यहाँ पे कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको आधार कार्ड नंबर डालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आप यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नंबर को यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर नहीं है, आपके पास इनरोलमेंट आईडी है यानी कि आप आधार कार्ड बनाते टाइम आपको एक रिसिप्ट मिला होगा, उस रिसिप्ट में आपको इनरोलमेंट आईडी मिल जाएगा तो उस इनरोलमेंट आईडी से भी आप अपने आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आधार कार्ड यहाँ पे डालने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको नीचे में एक कैप्चा यहाँ पे फिल कर लेना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक कैप्चा मिलेगा, सिंपल सा कैप्चा रहेगा। इस कैप्चा को इस बॉक्स में आपको फिल कर लेना है और ध्यान रहे दोस्तों यहाँ पे आपको इसमें क्लिक नहीं करना, इसमें टिक नहीं करना है। अगर आप इसमें टिक करेंगे तो वहाँ पे जब आधार कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो आप दोस्तों आपका मास्क आधार रहेगा यानी कि आपका जो आधार कार्ड नंबर रहेगा वो पूरा नहीं रहेगा, उसमें आपका क्रॉस कुछ रहेगा और आपका नंबर रहेगा मतलब पूरा नंबर आपका शो नहीं करेगा, तो इसलिए आप यहाँ पर टिक नहीं करेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देता हूँ और इसके बाद दोस्तों आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर कैप्चा फिल कर लेने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ पे सेंड OTP के ऊपर में क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में एक OTP भेजा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं NOTP हैज़ बिन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे उस OTP को आप नीचे में यहाँ पे आपको डालना होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और इसके बाद यहाँ पे आपको क्विक सर्वे करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको यस कर देना है, इसमें यस में आपको टिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे मोर देन 15 डेज़ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसमें, और इसमें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको वेरीफाई एंड डाउनलोड्स का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे वेट करने के बाद आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं कि आपका आधार कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद दोस्तों जैसे हम यहाँ पे PDF ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आधार कार्ड को ओपन करने के लिए यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पासवर्ड क्या डालेंगे, जैसे कि आपका आधार कार्ड में नाम है, जैसे कि मेरा नाम यहाँ पे धर्मेंद्र है तो यहाँ पे मेरा DH इस तरह से होता है, मेरा DHARMEND है, धर्मेंद्र होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका नाम का यहाँ पे फर्स्ट का यहाँ पे आपको 4 लेटर्स यहाँ पे लेना है और इसके बाद आपका जो भी ईयर होगा जैसे कि 1994 या फिर 1993 जो भी होगा वो वाला ईयर आपको डालना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि मेरा नाम धर्मेंद्र हो तो यहाँ पे मैं DH DHAR लिखेंगे और इसके बाद मेरा ईयर है जैसे कि 1993, तो यहाँ पे मैं 1993 लिखूँगा, ये मेरा पासवर्ड हो जाएगा। इसके बाद ऐसे जब यहाँ पे पासवर्ड डाल के यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड है यहाँ पे खोल के आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे हम यहाँ पे पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम यहाँ पे ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेरा आधार कार्ड यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को आप अपने मोबाइल फ़ोन में इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप कहीं पर भी ले जाकर आप इसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं।